प्रैक्टिस की। आइए देखें सिंगल पेंसिल सेल प्रैक्टिस हो रही है प्रैक्टिस, और ये इसी तरह प्रैक्टिस करते रहना है। अब सिंगल पेंसिल में देखिए कोई कद का वो नहीं है इस्तेमाल, लेकिन लफ्ज़ खूबसूरत हैं, खूबसूरत होने चाहिए, क्योंकि अक्सर किताबों में बच्चे लिखते हैं, कॉपियों पे लिखते हैं। अब बारीक पेन होता है तो उससे खूबसूरत लफ्ज़ बनाने होते हैं, तो इसी तरह प्रैक्टिस की जाती है। जी आपने भी एक घर पे इस तरह प्रैक्टिस करनी है बच्चों को। मैम पेंसिल कागज़ कोई सा भी रफ कागज़ लेके, या 2-3 रुपए की शीट मिल जाती है उसके ऊपर ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। हमने पेंटिंग भी बनाना सीखा, दो पेंसिलों पकड़ कर भी राइटिंग सीखी, अब ये सिंगल पेंसिल से भी सीख रहे हैं। बस प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह राइटिंग अच्छी होगी। और पेंटिंग की क्लास वो भी हमने ली थी, और 1-2 दिन बाद एक नई पेंटिंग शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अब ये देखिए, ये मैंने कलम से लिखने की प्रैक्टिस भी की, वही जीन सीन, इसमें कुछ मेरी भी गलतियां हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कंप्लीट कातिब हूँ, लेकिन प्रैक्टिस करने से लफ्ज़ खूबसूरत हो जाते हैं, लफ्ज़ बनाना आ जाते हैं। वर्ड लिखना सीखेंगे, उसमें ये एक ड्राइंग होती है, जिसको ड्राइंग आ जाती है वो एक ही पेंसिल से, सिंगल पेंसिल से मतलब सब कुछ कर लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा, आप हमारे साथ रहें, आपको आर्ट्स बना देंगे, कैलीग्राफर पेंटिंग, फ्री स्टाइल कैलीग्राफर पेंटिंग। ठीक है,
इसी तरह प्रैक्टिस करते रहना है। नून वाओ अब वाओ कुछ बिगड़ गया, लेकिन इसी के साथ मैंने दूसरी दफ़ा फिर प्रैक्टिस की। ये देखें अब इसमें और इसमें फ़र्क आ गया, थोड़ा खूबसूरत हो गया। तो इसी तरह प्रैक्टिस करनी है। एक लफ्ज़ अगर थोड़ा ख़राब होता है तो दूसरा ठीक भी होता है। परेशान नहीं होता, कभी हमें नहीं आता, आ जाता है। एक दिन नहीं, दो दिन, तीसरे दिन इंशाल्लाह लफ्ज़ सही होने लग जाते हैं। ज़बरदस्त हो गया। और दुआओं में याद रखिए, दुआ करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।